बिहार में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है और लोगों के बीच अपना पांव पसार रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को इस बात से समझा जा सकता है कि पिछले 24 घंटे में बिहार में 155 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें 70 मरीज सिर्फ पटना में मिले हैं। वहीं इसके अलावा भागलपुर में 17 एवं गया व मुजफ्फरपुर में 12-12 नए संक्रमित मिले। शेष जिलों में 5 से कम नए संक्रमित मिले। समस्तीपुर में 5, अररिया, भोजपुर, नालंदा, सारण, पश्चिमी चंपारण में 1-1, बेगूसराय, मधुबनी, मुंगेर, पूर्णिया, सीतामढ़ी में 2-2, लखीसराय, सहरसा, सिवान, वैशाली में 3-3, बांका, जहानाबाद, खगड़िया, रोहतास व दूसरे राज्य से बिहार आए 4-4 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में 129,174 सैंपल की जांच की गई है। वर्तमान में राज्य में कोरोना के 638 सक्रिय मरीज इलाजरत हैं। सबसे ज्यादा 387 सक्रिय मरीज पटना में हैं, जबकि भागलपुर में 39 व गया में 37, मुजफ्फरपुर में 28 सक्रिय मरीज इलाजरत हैं। समस्तीपुर जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है।